प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। गोरखपुर नगर निगम की 50 वार्डों का शासन ने नया नामकरण कर जारी किया। 80 वार्डों के परिसीमन की अनंतिम अधिसूचना, महापुरुषों और बलिदानियों के नाम हुए 24 वार्ड। इसी साल नवंबर में नगर निगम के चुनाव की है संभावना। एक सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी उचित आपत्ति। आपत्तियों के निस्तारण के साथ शासन को अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए भेजी जाएगी आख्या। जनपद में शुक्रवार की रात पीआरवी के द्वारा पशु तस्करों का पीछा करने पर गाड़ी हुई क्षतिग्रस्त। पशु तस्करों ने पीआरवी पर पत्थरों से किया हमला। एसपी नॉर्थ की गाड़ी पीछा करते हुए डिवाइडर से टकराकर हुई क्षतिग्रस्त। एसपी नॉर्थ ने कहा, शाहपुर गुलरिया थाने में पशु तस्करों के खिलाफ दर्ज किया गया है मुकदमा। 4 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर किया जा रहा है पूछताछ। जल्द होगी पशु तस्करों की गिरफ्तारी। पारिवारिक झगड़े में हुए विवाद में नवजात बच्ची की हत्या के आरोप में 2 अभियुक्ताओं को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पशु तस्करों के गैंग के सरगना मुलायम यादव व उसके 2 साथी चढ़े शाहपुर व गुलरिया थाने की हत्या। अभियुक्तों के कब्जे से एक देसी तमंचा, 315 बोर, एक अपाची मोटरसाइकिल, एक पिकअप तथा एक पशु किया बरामद। SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने दी जानकारी। IRS इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम एवं ग्राम आपदा प्रबंधन एवं जलवायु संरक्षण VDMCR विषय पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा संगोष्ठी आयोजन कर जनपद स्तरीय अधिकारियों को उनके कार्य एवं उत्तरदायित्व से कराया गया उनको अवगत। इंसिडेंट कमांडर एवं ADM फाइनेंस ने कहा, आपदा आने पर सभी अधिकारियों के दायित्व है फिक्स। SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में चलाए गए सघन वाहन चेकिंग अभियान। कहा, बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन चालकों तथा बिना सीट बेल्ट लगाए 4 पहिया वाहन चलाने वालों का किया गया चालान। अपर SDM सदर पवन कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, अधिकतर मामले पुलिस व राजस्व विभाग से आए संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिया गया है निर्देश। दो सितंबर को महिला से मोबाइल लूट करने वाले 2 अभियुक्तों को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 24 घंटे के अंदर लूट का मोबाइल व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। राप्ती नदी के जलस्तर सहित अन्य नदियों का बढ़ रहा है जलस्तर। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी ने कहा, अभी है नदी खतरे के निशान से नीचे, अभी तक नहीं पहुँचा किसी गाँव में पानी। बाढ़ से निपटने के लिए सभी तैयारियाँ हैं पूरी। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ व राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की स्मृति में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में चल रहे व्याख्यान माला के समापन पर हम और हमारी संस्था विषय पर गोष्ठी का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि ने कहा, संस्था से बनती है हमारी सामाजिक पहचान, प्राथमिकता में होनी चाहिए संस्था। और शनिवार की शाम को हुई बारिश से जहां लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत, वहीं किसानों के चेहरों पर दिखी खुशी। बारिश खरीफ फसल के लिए है काफी लाभदायक।